नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन, नेचुरोपैथ एंड नाइस एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है, चाहे वो किडनी के पेशेंट हैं या फिर और किसी वजह से पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारी दवाई खा ली, आपने बहुत सारे इंजेक्शन ले लिए, फिर भी पेशाब नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको वो कौन सी जड़ी बूटी लेनी है जो 10 मिनट के अंदर आपका पेशाब खोल देगा, पेशाब आ जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉन्डिस को 24 घंटे में कैसे क्योर कर सकते हैं हम, वो जड़ी बूटी क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और मैंने पेशेंट के टेस्टिमोनियल भी आपको दिखाए थे कि पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, जॉन्डिस से कैसे उन्हें मुक्ति मिल रही है। तो आज मैं आपको पेशाब की दिक्कत आ रही है तो उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, वो बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो कौन सी जड़ी बूटी है जो 10 मिनट के अंदर में आपका पेशाब खोल देगा, पेशाब आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये जड़ी बूटी आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसे अपामार्ग बोलते हैं, इसे कई जगह पे चिरचिटा भी बोलते हैं, और ये देखिए, ये इस तरह के इसमें कांटे भी लगे होते हैं। इसको बस करना क्या है, इसके जो पत्ते हैं ये पत्ते आपको लेने हैं और इस पत्ते से 10 ml जूस निकालने हैं। ये हालांकि ये मैं सुबह ही लेके आया था पेशेंट के लिए, अभी ये ऑलमोस्ट ये सूख चुका है तो ये पत्ते यूज में नहीं आएगा, बिल्कुल ताजे पत्ते लेने हैं और इससे 10 ml जूस निकालिए और फिर आपको पेशेंट को देना है। जिनको पेशाब नहीं आ रहा है, काफी दिन से पेशाब नहीं आ रहा है, काफी घंटों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बस यही 10 ml देना है तो 10 मिनट के अंदर पेशाब आना शुरू हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है कि दोबारा ये दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। विश्वरूप सर हमेशा बताते हैं कि डीआईपी डाइट जो फॉलो करते हैं उन्हें इस तरह की दिक्कतें नहीं आती है। जिनको डीआईपी डाइट के बारे में पता नहीं है उनको मैं डीआईपी डाइट एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, ये जो है फ्रूट्स है, सुबह 12 बजे से पहले ये 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं आपको, कोई भी 3-4 तरह के फ्रूट्स हो सकते हैं। 12 बजे से पहले सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, 500 ग्राम 600 ग्राम भरपेट खाइए, 700 ग्राम 1 केजी तक खा सकते हैं, जितना मर्जी है उतना खा लीजिए, सुबह 12 बजे से पहले सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। दोपहर में जब आप खाना खाएं तो 2 प्लेट खाना लेके बैठना है, 1 प्लेट में आपका सैलेड रहेगा, सलाद रहेगा, 3-4 तरह का ये कच्चा सब्जी होगा जिसमें खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इस तरह का आप सैलेड कट कर लीजिए प्लेट में, पहले हुए प्लेट खा लीजिए, ये जो सैलेड वाला प्लेट है ये खा लीजिए, उसके बाद आपको घर का खाना खाना है, रोटी दाल चावल जो आप खाते हैं। शाम में भी सेम करना है, पहले सैलेड खाइए उसके बाद घर का खाना खाइए। इसमें 2-3 चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा, सुबह सुबह धूप में जरूर बैठना है, एक्सरसाइज जरूर करना है, आधा 1 घंटे का प्रोसेस ये रख लीजिए। साथ में कुछ चीजें आपको अवॉइड भी करना है, मिल्क वाली चीजें अवॉइड करना है, उसके बाद अगर कोई सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट आपको अवॉइड करना है, वो नहीं खाना, चाय नहीं पीनी है आपको। यही डीआईपी डाइट है, अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ गई है तो मैंने आपको बता दिया कि इस वाले पत्ते से 10 ml जूस निकालिए और पीजिए, अगर ये पीते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपका पेशाब आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ये बाथ टब भी ले सकते हैं, ये देखिए बाथ टब है, इसकी थेरेपी ले सकते हैं। इसमें जो पानी होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है, इसमें आपको बैठना होता है, पानी का लेवल आपको नाभि तक रखना है। सप्ताह में ये थेरेपी भी करते हैं जो हेल्दी व्यक्ति है, सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए तो बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वो बाहर आ जाएगा। तो यही सारा कुछ करना है तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। अब मैं आपको एक अगली वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि स्टोन की प्रॉब्लम हो, अगर गुर्दे में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो या फिर पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो 5 से 10 दिन में गुर्दे की पथरी और 20 से 25 दिन में पित्त की थैली की पथरी निकल जाएगा, और वो भी कुछ चीजें आपको फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी जिनको ये दिक्कतें आ रही है जो आज मैंने बताया, ये फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।